सौभाग्य मिथिला देखनिहार तमाम दर्शक महानुभाव के सुशांत के नमस्कार आ हार्दिक अभिनंदन। दर्शक वृंद सब दिन जका आइयो फिर से उपस्थित छी अपने के सोझा एकटा विशिष्ट हस्ती संग। आई हमरा संग छथि प्रदेश अध्यक्ष युवा एनसीपी के रोहित कुमार सिंह। चलिए स्वागत करी हुनकर। रोहित जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इस चुनाव में इस पार्टी का भविष्य क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले 11 वर्षों से देश में और बिहार में स्थापित है। हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है जो सेक्युलर विचारधारा की पार्टी है, जो नौजवानों की पार्टी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के पैमाने पर नौजवानों की बात करती है और राज्य में और राष्ट्र में सशक्त युवा धारा की बात करती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर और सेंट्रल पॉइंट ऑफ पावर रहेगी, मतलब सत्ता का केंद्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से रहने वाली है। आधार क्या है आपको अपनी बात, ये जो गन्ना आपने बतलाया है कि आप केंद्र में रहेंगे, इसका आधार क्या है? जी, सबसे आधा बड़ा आधार ये है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और पिछले 11 वर्षों से बिहार की जनता ने लालू यादव को देखा, नीतीश कुमार को देखा, रामविलास पासवान को देखा, कांग्रेस पार्टी को देखा, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बिहार की जनता ने आज तक नहीं देखा है। और बिहार की जनता तंग आ चुकी है लालू, नीतीश, रामविलास और सुशील कुमार मोदी के दपोर संखी वादों और इरादों से। रोहित जी, आपका पहला जो ये था कि राष्ट्रीय पार्टी होने की वजह से, तो पिछले जो 20 साल के जो रिकॉर्ड हैं वो रिकॉर्ड बतला दें कि पिछले 20 साल में 15 साल जो राजद का शासन रहा है और 5 साल जो जदयू के शासन जो अभी हुए हैं, इसमें राष्ट्रीय पार्टी, वैसे जदयू को भी राष्ट्रीय पार्टी कहा जाए? जी नहीं, जनता दल यू को आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं कह सकते हैं। आई विल बी कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑन यू ऑन दिस इशू। जी जी, निश्चित रूप से आप जनता दल यू को राष्ट्रीय पार्टी नहीं कह सकते हैं। आपकी दो तीन महीना पहले झारखंड विधानसभा में चुनाव हुआ और झारखंड में जनता दल यू के रीजनल पार्टी के भी आधार को अस्थायी करने के लिए चुनाव आयोग ने अनुशंसा किया। जनता दल यू राष्ट्रीय पार्टी हो ही नहीं सकती। जी, आप ही के बात को लेते हैं। राजद 20 सालों के शासन में, राजद और ये जदयू दोनों के शासन रहे हैं 15 साल वहां और 5 साल यहां, इसमें राष्ट्रीय पार्टी की तो जगह ही नहीं बन रही है, तो आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं, 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 नहीं। आप समाज का चौथा स्तंभ हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए और आपके माध्यम से बिहार की जनता को मालूम होना चाहिए कि लालू यादव की सरकार जब कड़ाह रही थी तो 2000 में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने ही लालू यादव को मदद करके सत्ता में लाया। आज नीतीश कुमार अगर बिहार की सत्ता में है तो भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के ही बलबूते पर सत्ता में है। सत्ता लालू, मैं आपको बता रहा हूँ, सत्ता के पिलवान लालू यादव थे, सत्ता के पिलवान नीतीश कुमार हैं, लेकिन अब बिहार की जनता सत्ता की बागडोर डायरेक्ट अपने पिलवान के हाथ में देना चाहती है और हाथी की कमान एक अच्छे पिलवान को देना चाहती है, और वो पिलवान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तारिक अनवर के रूप में ही होने जा रहा है। यह बिहार की जनता ने तय कर लिया है। यह बिहार की 65% आबादी नौजवानों ने तय कर लिया है। कौन से युवा की बात बोल रहे हैं? अभी तो जहां तक देखा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें युवा बहुत हद तक प्रभावित एक छवि से है और वो है राहुल गांधी। देखा जाए, राहुल गांधी जी का हम सम्मान करते हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की जो सरकार देश में दोबारा स्थापित हुई है, उस सरकार को स्थापित करने में राहुल गांधी जी का एक बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से देश का नौजवान आकर्षित है राहुल गांधी के प्रति, लेकिन बिहार में राहुल गांधी फैक्टर काम करने नहीं जा रहा है। बिहार में अगर कोई नौजवान का फैक्टर काम करेगा तो तारिक अनवर का युवा फैक्टर काम करेगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस का युवा फैक्टर काम करेगा, न कि कांग्रेस पार्टी का युवा फैक्टर काम करेगा। उसके पीछे हमारी दलीलें हैं और मजबूत दलील है जो बिहार का नौजवान स्वीकार करता है। पिछले एक वर्ष से बिहार में अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज़्यादा जनसंघर्ष नौजवान के मुद्दे पर किया, छात्र के मुद्दे पर किया, तो वो पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। इसी वर्ष पिछले 30 जनवरी को महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने ऐतिहासिक युवा छात्र महापंचायत का आयोजन किया। 17 अप्रैल को श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में ऐतिहासिक युवा छात्र महासमागम का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय प्रफुल्ल पटेल और तारिक अनवर शिरकत हुए। 2 मई को तारिक अनवर साहब ने पटना से युवा छात्र बेरोजगार रथ को हरा झंडा दिखाया। उसके बाद पुनः 13 जुलाई को हम लोगों ने बिहार में बेरोजगार नौजवान सम्मेलन का आयोजन किया। 13 अगस्त को हम लोगों ने बेरोजगार प्रतिनिधि नौजवान सम्मेलन का आयोजन किया। लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बिहार के मानचित्र पर नौजवानों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक धारा को, शैक्षणिक धारा को मजबूत करने के लिए झंडा बुलंद किया है।
रोहित जी ये आपके दावे हैं जी, ये हमारे दावे नहीं है, ये बिहार के नौजवान का मैंडेट है जी जी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से मिला है। ये मैंडेट पिछले चुनाव में क्यों नहीं था आपके साथ जी? देखा जाए पिछले चुनाव में भी आपके साथ, मैं पिछले चुनाव की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पिछले 4 वर्षों से हूँ, इससे पहले मैं जनता दल यू का कार्यकर्ता। आप आए तो एक क्रांति आई। नहीं, मैं अपनी बात नहीं करता, तो फिर मैं तारिक अनवर का हनुमान हूँ, तारिक अनवर का सिपाही हूँ। तारिक अनवर ने अपने आप को स्थापित कर लिया देश के नौजवानों के लिए और बिहार के नौजवानों के लिए। उतनी करिश्माई छवि अगर तारिक अनवर जी की है, अगर उन्हीं की छवि पे आप लोग जा रहे हैं, अगर उनकी ही छवि इतनी करिश्माई है, तो पिछले चुनाव में कहां थे, कहां कोई करिश्मा जी? देखा जाए पिछले चुनाव में भी हमारी पार्टी ने अन्य राजनीतिक पार्टियों के औसतन बढ़िया प्रदर्शन किया था, कई सीटों पर हम दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे। आपकी प्रदर्शन अच्छा रही हो रोहित जी, लेकिन आप कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं। देखा जाए जनता करिश्मा में विश्वास नहीं रखती है, बिहार की जनता जनसंघर्ष में विश्वास रखती है, बिहार की जनता जन आस्था में विश्वास रखती है, बिहार की जनता विकास के पैमाने पर विश्वास रखती है, न कि कोई करिश्मा पर विश्वास रखती है। करिश्मा की आवश्यकता बड़े भाई और छोटे भाई को है, न कि तारिक अनवर को और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को है, तो और न ही बिहार की जनता को। तो फिर इस चुनाव के बाद जो आप कह रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द सत्ता घूमेगी जी, निश्चित रूप से घूमेगी, तो किस आधार पर? इस चुनाव में भी आपको जनता कहेगी आप संघर्ष कर रहे हो? देखा जाए, देखा जाए, देखा जाए, मैं आपको बताता हूँ, इस चुनाव में मुसलमान हमारे साथ है, सवर्ण जाति के लोग हमारे साथ हैं, पिछड़ा और दलित के लोग हमारे साथ हैं। उसका कारण है बिहार की जनता कांग्रेसी विचारधारा की जनता रही है, और अगर कोई कांग्रेसी विचारधारा की राजनीतिक पार्टी राज्य में पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रही है, तो वो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और उस पार्टी के अगुवा हैं आदरणीय तारिक अनवर जी। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता ने देख लिया है। आज अगर बेदाग छवि के नेता की बात की जाए, तो आप भी इस बात से सहमत होंगे कि तारिक अनवर जी से ज़्यादा बेदाग, राष्ट्रीय और विराट छवि का नेता देश और राज्य में नहीं है जी। उनकी उन्हीं की छवि पे ही हम बात कर रहे थे, तो उनकी छवि आज पहली बार बिहार की राजनीति में दिखाई तो नहीं पड़ रही है? देखा जाए कांग्रेस पार्टी में वो 75 से राजनीति कर रहे हैं, और बिहार कांग्रेस पार्टी में 75 से 99 तक उन्होंने राजनीति की, और 99 में जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा तो कांग्रेस मृतप्राय हो गई, और 99 में जब वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से गुलाब का कली धीरे धीरे फूल बनता है, उस तरह आज 11 वर्षों के जनसंघर्ष में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जी बिहार में कितनी सीटें? हमारी पार्टी नवंबर में 1 सीट पर जीती थी, और आने वाले चुनाव में हमें विश्वास है कि 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर तारिक अनवर जी की पार्टी विजयी होगी, हम लोग विजयी होंगे। नहीं तो आप जिस पार्टी को तारिक अनवर से हटने के बाद मृत प्राय बोल रहे हैं, उसकी सीट मृत होने की अवस्था में भी आपसे ज्यादा सीटें हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 20 गुना ज्यादा। मैं आपको बताना चाहूंगा 20 गुना ज्यादा नहीं हो सकती है, 10 गुना ज्यादा आप कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का 9 विधायक था उपचुनाव के पहले, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के 11 विधायक हैं। 11 गुना ज्यादा जी, 11 गुना ज्यादा, तो उनकी पार्टी भी हमसे 11 गुना ज्यादा बड़ी है। नहीं तो आज कांग्रेस पार्टी के पास, मैं कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के हम लोग सहयोगी हैं केंद्र स्तर पर, लेकिन जब तारिक अनवर के विराट छवि की बात आएगी, तो तारिक अनवर का छवि बिहार में किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता से बड़ा है। वो बेदाग छवि के नेता हैं, ईमानदार हैं, सेक्युलर हैं, युवाओं के चहेते हैं, युवा राजनीति की उपज हैं, और युवाओं को राजनीति में प्रोत्साहित करते हैं जी। जी रोहित जी, हम लोग बातचीत के सिलसिला को जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से विश्राम का, तो विश्राम लेते हैं, फिर हम लोग बातचीत पर रिटर्न आएंगे। बेरेज एक छोट छिन विश्रामक तो लै छी, छोट छिन विश्राम, मुदा अपने कतौ नहीं जाऊ, देखते रहू सौभाग्य मिथिला।